आप में से मैं पूछना चाहता हूं, बुजुर्ग लोग भी हैं कुछ, कोई है जिन्होंने मैत्री चरणगुप्त के साक्षात दर्शन किए हों? शायद नहीं होंगे। अब मेरी बात इसलिए भी सुन लेना कि मैं आपके पूरे जनयूथ में, जनसमूह में इकलौता हूं जिन्होंने इस सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा था बचपन में, और उनके चरणों में बैठकर बाल कवि अशोक को कविता सुनाने का सौभाग्य मिला था। मेरी मां की एक परम सहेली, हम उनको मौसी कहते हैं, उनके पति सांसद थे और आदरणीय मैथिली शरण गुप्त भी सांसद थे, और अगल बगल में मकान था। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पुरानी परिपाटी पर लिखने वाले लोग साधनों की चिंता नहीं करते थे। वो जहां आत्मविश्वास, वहां फिर चिंता क्या साधन की। हम छत से देखा करते थे कि एक छोटे से मूढ़े पर बैठकर गुप्त जी स्लेट बत्ती से कविताएं लिखा करते थे। अगर कोई पंक्ति गलत होती थी तो मिटा देते थे, नहीं लिखते थे। ऐसा बड़ा आकाश था उनका। ये आकाश भी स्लेट बत्ती की स्लेट की तरह दिखाई दे रहा है, और समझिए कि हम उनकी बत्ती हैं जो इस आकाश पर आपके सामने, आपके साक्ष्य में कुछ लिखना चाहते हैं आपके हृदय के हस्ताक्षरों के साथ। मानस भवन में आर्यगण जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। भारती माने हिंदी भाषा। तो ये चरण गुप्त जी के की पंक्तियां हैं। उन्होंने जितना लिखा, जो कुछ लिखा, वो इतना सकारात्मक था कि अब यहां से प्रेरित होकर आप महेश चरण गुप्त को नेट पर भी ढूंढेंगे तो बहुत सेट मिल जाएंगे। वो आप जयद्रथवत देखिए, साकेत देखिए, या यशोधरा देखिए, भारत भारती पढ़िए, ये पंक्तियां आपको, महाकाव्य लिखने वाला व्यक्ति था वो, उसने खंड काव्य लिखे, उन्होंने नाटक लिखे, और इतना ज्यादा लिखा कि हम लोगों के लिए चुनौती की तरह वो आज भी हैं।